रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग् स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफ़ी लोग कांग् स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो 2017 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग् स्कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आईलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉन्ग कल आईलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांगस्कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्नस्टेन ने एंड डायरेक्ट कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांगस आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैशनी ने एंड अलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जॉन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सन्माइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियर्सन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंड्री पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ अठारह मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का आइलैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक तो मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आईलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो तो आगे हम बात कर लेते हैं क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स कालाई लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉन्स्टर फिल्म अगर आपको किंग कॉन्ग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की आपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉन्स्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो आप जरूर से कांग्स कालाई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो बहुत ही अच्छा ये मूवी बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज मूवीज की पूरी सीरीज के फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉन्क्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कल आई मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय तो की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कांग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉंग्सकल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉंग्सकल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले कांग्स कल आइलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न स्टेन ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैश्नी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं येंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबिक कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड और जौन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कांग्स स्कल आईलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियर्सन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स स्कल आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांगस का लैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स कलाई लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉन्स्टर फिल्म अगर आपको किंग कॉन्ग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कॉन्ग की आपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉन्स्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो आप जरूर से कांग्स कलाई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कॉन्ग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप जरूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कालाइलैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सीरीज़ के फ़ैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको कांग्स कालाड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉन्क्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स स्कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स स्कल आई मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मो तो रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कांग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो 2017 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आईलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आईलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कॉंगस कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ़ी की, 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 की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंड्री पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का लैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्सन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि 2017 की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कालाइलैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कालाइलैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ड्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी ज के फ़ैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कलाड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉंग्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको स्कल कालाइलैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स स्कल लैंड मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉंग्सकल स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉंग्सकल स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो हज़ार सतारह में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आई मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉंग्सकल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉन्ग स्कल मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आई मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्नस्टेन ने एंड डायरेक्ट कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गेटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैशनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सन्माइटोग्राफ़ी की, तो की, सन की, की, की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर प्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांगस का आइलैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आईलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स का लाइलैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवी मूवीज़ की पूरी सीरीज़ के फ़ैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉन्क्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स स्कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स स्कल आई मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बंदे तो रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉंग्सकल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉंग्सकल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांगस कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कला आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने, है। देखने, है। देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन ऑर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी है जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स स्कल आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंड्री पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कॉन्ग्स का लैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आइलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कॉन्ग का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कॉन्ग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी के फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल्लाइड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कल मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांगस कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कालाड मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले कांग्स कल आइलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्नस्टेन ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैस्टी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्सटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जॉन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टिया देखने को मिल जाते हैं कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जोह आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमा तो सनमाइटोग्राफी है है की, की, है है की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियर्सन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंसेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांगस का लैंड आइलैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की आपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी है कि किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप जरूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ड्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सीरी इसके फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कलाड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉंग्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज की ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स काला लैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स काल आई मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मात्रम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉंग्सकल आइलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉंग्सकल आइलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो 2017 में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आईलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आईलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांगस् कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आई लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आई मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉर्नल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गेटिंस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने Osionfish. इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सन्माइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पेयरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का आइलैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप जरूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सी इसके फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कल मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांगस् कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कल आई मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे तो में रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो 2017 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंसेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का लैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्सन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि 2017 की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की आपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स का लाइलैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप जरूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सीरीज़ के फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांगस कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स काल एलैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स काला लैंड मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो हज़ार सतारह में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉंग्सकल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉंग्सकल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्नस्टेन ने एंड डायरेक्ट कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिन ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांगस कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैश्नी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सन्माइटोग्राफ़ी की, 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 की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पेयरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंसेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर प्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांगस का लैंड आईलैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आईलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी है कि किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप जरूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सी इसके फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कला मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कला मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स कालाड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स काल आई मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कांग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आइलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आइलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग स्कल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज देखने के लिए सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले कॉंग्स कल आइलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कॉंग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैश्नी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन कि देखने, है। देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं येंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग at ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियर्सन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांगस का लाइंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आइलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कॉन्ग का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कॉन्ग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी के फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कलाड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कल मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांगस कल एलैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कल आई मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपका कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे तो रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कांग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आइलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आइलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आईलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्नस्टेन ने एंड डायरेक्ट कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांगस आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैशनी ने एंड अलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जॉन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनाइटोग्राफ़ी की बात की जाए तो कॉंग्सकल आइलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पेयरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कॉंग्सकल आइलैंड आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंड्री पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का लैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आईलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी है कि किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप जरूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ड्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सीरीज के फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कला मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कला मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज की ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स काला लैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स काल आई मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कांग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो हज़ार सतारह में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आई लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आई मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉर्नल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गेटिंस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने Osionfish. इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन ऑर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की, तो की, 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 की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पेयरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांगस आइलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का आइलैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो तो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स का लाइलैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवी मूवीज़ की पूरी सीरीज़ के फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉन्क्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स स्कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांगस स्कल आई मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बंदे तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो 2017 में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांगस कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्सटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सन्माइटोग्राफ़ी की, 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 की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियर्सन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैंनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंड्री पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ अठारह मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का लैंड आई लैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि 2017 की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स कलाई लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉन्स्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की आपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉन्स्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो आप जरूर से कौ, कांग्स कलाइलैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी है कि किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो बहुत ही अच्छा ये मूवी बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स का आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज मूवीज़ की पूरी सीरीज़ के फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल आई मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांगस का लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कल आई लैंड मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आइलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टूल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्सटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जोहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं येंग टिया देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियर्सन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन जा ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का लैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके बाद बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आईलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी है कि किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप जरूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सी इसके फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कला मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कला मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स स्कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांगस स्कल आई मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मात्रम, तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कांग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आइलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आइलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आईलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आईलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉर्नल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन ऑर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की, 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 है की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंड्री पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कॉन्ग्स का लैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आइलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कॉन्ग का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी के फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कलाड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कल मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांगस कल एलैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कल आई मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपका कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आई मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आई मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉंग्सकल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉंग्सकल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्नस्टेन ने एंड डायरेक्ट कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांगस आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैशनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कि सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनाइटोग्राफ़ी की, तो की, 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 की बात की जाए तो कॉंग्सकल आइलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पेयरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कॉंग्सकल आइलैंड आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंड्री पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का लैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आईलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लैंड लाएं मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स का लाइलैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कालाड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सीरीज़ के फ़ैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कालाड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉन्क्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज की ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स काला लैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कालां मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफ़ी लोग कांग् स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो हजार सतारह में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आईलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉन्ग्स आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है ने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आई मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉर्नल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गेटिंस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने, है। देखने, है। देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन ऑर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पेयरसन ने इस मूवी का म्यूज़िक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांगस का लैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप जरूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी इसके के फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल्लाइड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कल आलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स काल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कालाड मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आइलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग् स्कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्नस्टेन ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैशनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जॉहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं येंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियर्सन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स स्कल आइलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंसेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का लैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके बाद बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि 2017 की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की आपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कालाइलैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कालाइलैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ड्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी ज के फ़ैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कलाड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉंग्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको स्कल कालाइलैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स स्कल लैंड मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे तो रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉंग्सकल स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉंग्सकल स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आइलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आइलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कांग्स कल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कांग्स कल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आई मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्नस्टेन ने एंड डायरेक्ट कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गेटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैशनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सन्माइटोग्राफ़ी की, 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 की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियर्सन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर प्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांगस का आइलैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आईलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई लैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी है कि किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सी इसके फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कला मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कला मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांगस कल आई मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉंग्सकल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉंग्सकल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स स्कल आइलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स स्कल आइलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स स्कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉर्नल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गेटिंस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैसनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जौहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन ऑर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड मूवी में सनमाइटोग्राफी की है लैरी फॉन्ग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स आइलैंड आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कॉन्ग्स का लैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आइलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक सौ पचासी मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स कलाई लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉन्स्टर फिल्म अगर आपको किंग कॉन्ग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की आपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉन्स्टर टाइप मूवीज़ देख रहती देख हैं सो आप जरूर से कांग्स कल आई मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप पूरे से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आइलैंड मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सीरीज़ के फ़ैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल आई लैंड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉन्क्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांगस कल एलैंड मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कल आई मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपका कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कॉन्ग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज़ हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांग्स कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आई मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉन्ग्स कल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले कांग्स कल आईलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉकट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्नस्टेन ने एंड डायरेक्ट कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांगस आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैशनी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जॉन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लैरसन देखने को मिल जाते हैं यंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबी कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौहन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सन्माइटोग्राफ़ी तो की, तो की, 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 की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पेयरसन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स कल आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है लेजेंड्री पिक्चर्स एंड टेंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज़ हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांग्स का लैंड आइलैंड मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज़ में कांग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की आपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कालाइलैंड मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप ज़रूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सी फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कलाड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कॉंग्स कला लैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांग्स कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स कल आई मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग स्कल आईलैंड मूवी के बारे में काफी लोग कांग स्कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हैं यह मूवी वैसे तो दो में रिलीज हुई थी लेकिन आज भी काफ़ी लोग कांगस कल आईलैंड मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कॉंग्सकल आइलैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में एंड साथ ही में बात करेंगे कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है इस मूवी की कहानी क्या है एंड कौन सा जॉनर है कॉंग्सकल आइलैंड मूवी का साथ ही में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी को लिखा है फुल इसकी टीम के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ में आपके इस मूवी के बजट के बारे में बताने वाले हैं कि कितने रुपए में कांग्स कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग इस मूवी ने किया था सो फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू मिलने वाला है कांग्स कल आईलैंड मूवी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कांग्स कल आईलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले कांग्स कल आइलैंड मूवी की टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्डन वॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डैन गिल रॉय ने मैक्स बॉर्न ने एंड डैरैक कॉनल ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जॉन गैटिनस ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी को प्रोड्यूस किया है थॉमस टुल ने मैरी पेरेंट ने जॉन जैश्नी ने एंड एलेक्स गार्सिया ने इस मूवी में एक्ट्रेस की बात की जाए तो कांग्स कल आइलैंड मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैडल्स्टन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिल जाते हैं जहन गुडमैन देखने को मिल जाते हैं बैरी लारसन देखने को मिल जाते हैं येंग टियान देखने को मिल जाते हैं टॉबिक कैबल देखने को मिल जाते हैं एंड जौन आर्टिस्ट भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो कांग्स स्कल आईलैंड मूवी में सन्माइटोग्राफी की है लैरी फोंग ने और इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड पियर्सन ने इस मूवी का म्यूजिक किया है, है हैनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कांग्स स्कल आईलैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है गंप लेजेंडरी पिक्चर्स एंड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने यह मूवी रिलीज हुई थी 10 मार्च 2017 में इस मूवी का रनिंग टाइम एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको कांगस का लैंड आई मूवी देखने को मिलेगी साथ ही में हिंदी वर्जन भी इस मूवी का देखने को मिल जाता है उसके आगे बजट की बात की जाए कि कितने बजट में कांग स्कल आईलैंड मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सबसे पहले बजट इस मूवी का एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने लगभग पाँच सौ छियाठ मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी तो आप कह आप कह सकते हो कि दो हज़ार सत्रह की बड़ी बड़ी मूवीज में कॉन्ग स्कल आइलैंड का नाम भी आता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आपको अंदाजा लग गया होगा सो तो आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा सबसे पहले कांग्स का लाइन लाएं लैंड मूवी के जॉनर की बात की जाए तो इस मूवी का जॉनर है मॉस्टर फिल्म अगर आपको किंग कांग की पूरी सीरीज़ देखना पसंद है किंग कांग की अपने पहले भी मूवीज़ देखी होगी जो कि मॉस्टर टाइप मूवीज़ रहती हैं सो so, आप जरूर से कांग्स कल आई मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसे एक्शन मॉन्स्टर मूवीज़ देखना पसंद है यह भी एक किंग कांग की मूवीज़ का मूवीज़ का ही एक पार्ट है आप जरूर से देख सकते हो सो so, बहुत ही अच्छा ये मूवी है बहुत ही अच्छा स्टोरी आपको कांग्स कल आई मूवी में देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉर्डन बॉक्ट रॉबर्ट्स ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड एक्ट्रेस द्वारा भी बढ़िया काम किया गया है इस मूवी में अगर आप किंग कांग मूवीज़ मूवीज़ की पूरी सी इसके फैन हो तो यह मूवी आप देख सकते हो एंड एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको कांग्स कल्लाइड मूवी देखने को मिलेगी अगर आप कांग्स कल आलैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको कांगस स्कल आई मूवी देखने को मिल जाती है हिंदी वर्जन में भी आप कांग्स स्कल आई मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मो मात्रम